दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन ऐसे स्नेक के बारे में जो दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन है अलग। आपने आज तक ग्रीन कलर का स्नेक तो देखा होगा, वो ये था या फिर ये। अगर आप इन तीनों सांपों के बारे में पहले से जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इन तीनों स्नेक्स का रंग ग्रीन होने के कारण बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यह है ग्रीन किलबैक स्नेक, दूसरा है ग्रीन वाइन स्नेक और तीसरा है बैम्बू पीट वाइपर। इन तीनों स्नेक्स में से एक है वेनामस, दूसरा है नॉन वेनामस और तीसरा है सेमी वेनामस, और यही इनकी खास बात है जो तीनों स्नेक्स को एक दूसरे से अलग करती है। चलिए जानते हैं पहले स्नेक के बारे में, ग्रीन किलबैक स्नेक, जिसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता, यानी यह पूरी तरह से नॉन वेनमस होता है। यह स्नेक हरी घास में रहना, मेंढक, छिपकली और गिरगिट खाना पसंद करते हैं, और यह पेड़ पर नहीं चढ़ते। दोस्तों ग्रीन किलबैक स्नेक की मजेदार बात यह होती है कि यह जब छोटा होता है तब ऐसे दिखता है और जब बड़ा हो जाता है तब ऐसे। उम्र और लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसके ब्लैक और व्हाइट मार्किंग्स मिट जाते हैं। चलिए जानते हैं हमारे अगले स्नेक के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन वाइन स्नेक। यह सेमी वेनमस यानी आधा जहरीला होता है। दोस्तों ग्रीन वाइन स्नेक का वेनम इंसानों के लिए घातक नहीं होता, ये सिर्फ छोटे जानवर और पंछियों पर ही असर करता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इंसान 15 से 16 घंटे तक बेहोश हो सकता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होगी। ग्रीन वाइन स्नेक आपको हमेशा पेड़ पौधों पर ही नजर आएंगे, और पेड़ पौधों की डालियों पर इसका लंबा और हरे रंग का शरीर शायद ही आपको दिखाई दे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्नेक की ओर। दोस्तों हमारा तीसरा स्नेक, जिसका नाम है बैम्बू पीट वाइपर, यह 100% जहरीला यानी वेनामस होता है। इसकी बनावट पहले दोनों ग्रीन सांपों से बिल्कुल अलग होती है। सर के ऊपर आंखों के पास वेनम की थैलियां आप क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों बैम्बू पीट वाइपर के पास आगे की ओर खुलने वाले 20 दंत होते हैं। इसका वेनम इंसानों के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए जब भी आप पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करें एक बार ऊपर जरूर चेक कर लें कि वहाँ कोई बैम्बू पीट वाइपर तो नहीं, क्योंकि यह हमेशा पेड़ों के ऊपर ही छुप कर रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप इन तीनों सांपों को अच्छे से पहचान सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।